और अब देखते हैं वो चलो सांप को, दिखा तो रहा हूँ देखा अभी ट्रिंक तुम। गेट है, बिना जहर का होता है। चलिए देखते हैं, आप उसको निकालते हैं और हाँ रेस्क्यू चलो करते हैं। निकाल चलिए रहा अंदर आ हूँ। जाओ। देखो टारिश की आवश्यकता पड़ेगी, टारिश दे दो। अरे दादा थोड़ा गरीब दो दिन में बड़े कर जल है गए छोड़ दई है कर। अरे चू है चू रे मोटा कहां पर घर सामने करते आज घर तुम जाके देखिए कहां है रे वो तो मैं दूसरे लेके दूसरा दर्शन कर ली सर तो उसको महसूस होगा खतरा महसूस तभी काट देगा इसको खींच ली पलटी बेटा ले जीव डाल तक नहीं रहा छोड़ बेटा निकल रहा है लगता है खाएंगे निकाल के करेगा नहीं ये ट्रिक कैसे होता है ए पकड़ 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 पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो नहीं होगा कुछ दिक्कत नहीं बड़ी छेद है इसमें बढ़ती क्या आ दोस्तों ये ट्रिंकेट होता है ये बिना जहर का होता है कभी भी डरने का आवश्यकता नहीं होता ये हाँ इसमें है इसलिए काटता है वो कभी भी ऐसा होता है कि इंसान क्या होता है डर के वजह से जो है मारा जाता है कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए काहे कि उससे जितना अधिक डरेंगे उतना अधिक जल्दी मौत होगा क्योंकि कहते हैं कि ये इंसान कभी भी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र में ना जाए अगर झाड़ फूंक तंत्र मंत्र में जाएंगे तो उसको तो मारा जाएगा सबसे सर्वप्रथम है अगर ये स्नेक बाइट तभी करेगा जब इसको खतरा महसूस होगा इसको हम पकड़े हैं ये बिना जहर का होता है नॉन वेनोस होता है पूरी तरह किसी भी प्रकार से में जहर नहीं दिया थोड़ा दोस्तों सांप के नाम से डर है सांप से नहीं सांप के नाम से डर है नाम से डर नहीं सही है ना सांप के नाम से डर अगर बोल देंगे भैया वहाँ सांप है कितने बड़े भी तेजस्वी हो उसके पास वो कभी नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि इसके नाम से डर है सांप के नाम से डर है वो इंसान को अगर कभी बाइट कर ले तो इतना अधिकतम डर जाता है अगर 10 लोग बोल दें भैया आपको सांप काटा है आप मर जाओगे वो हार्ट अटैक से मर जाएगा फिर उसको जहर ना चढ़ेगा ये बात है इसीलिए कभी भी स्नेकों से ना डरे अन्यथा वैसे डेट हो जाती है और कभी भी अगर स्नेक बाइट होती है तो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में ना रहे अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो कुछ दवाई किया है या खाया है या तो फिर तंत्र मंत्र किया है इसलिए सांप से कुछ नहीं कर रहे ऐसे भी लोग होते हैं बहुत सारे लोग पूछने लगते हैं ये अक्सर घरों में अनाज होता है अनाज की वजह से चूहे आते हैं चूहा खाने के लिए ये आते हैं इसीलिए घर में चूहों को धीरे धीरे खत्म करें नहीं तो अक्सर वो आते रहते हैं घुसते रहते हैं मारे नहीं अब इसको अभी हम नहीं आते तो इसको क्या करते मार देता और आजू बाजू में और भ्रम फैला देते भैया ये तो बहुत जहरीला था लोग बाग इसको टच भी नहीं करते दूर से भैया डंडा उठा के ले जाकर फेंक दिए ऐसा भी होता नहीं होता हाँ ये सांपों को पहचानने के हमारे इंडिया में 300 से 1000 तक सांप होते हैं बहुत सांप हैं लेकिन उनमें से 6 सांप ही जहरीले हैं 6 सांपों के और उनकी प्रजातियां हर सांपों की प्रजातियां 8 को 9 को 10 को इस तरह से हैं कैली नहीं है ये ट्रिंकेट है कैली अलग होती है कैली ब्लैक होता है पूरा और व्हाइट व्हाइट स्किन होती है उसमें कुछ भी हो स्नेक बाइट हो स्नेक घुसे या कुछ भी हो कहीं भी हो तुरंत हमको कॉल करें हम आ जाएंगे लेकिन तंत्र मंत्र झाड़ फूक में ना रहे अन्यथा मारा जाएंगे 270 प्रजाति होती है जिसमें से 6 ही जहरीले हैं जहरीले काटेंगे तो कभी नहीं बचा पाएंगे बिना जहर का काटेंगे झाड़ फूक तंत्र मंत्र से बच जाइएगा लेकिन ये बिना जहर जहर वाले ये काटेंगे तो बच जाएगी कोई दिक्कत नहीं इसके बारे में इसके बाद हैंडल कर रहे हैं अगर आप अच्छा वो थैला में भर लेते और धर इसका मैं रोज ही पकड़ता हूँ कल मैं 3 रेस्क्यू किया था सिर्फ झाड़ फूंक के चक्कर प्रयास करेंगे इसका हम कि दस रेस पर रखेंगे हो गया ठगा के पेश किया हाँ चलो बाबू अब दिखाओ मैं तब मैं हूँ